जय मसीह की दोस्तों आज की मन्ना का भाग हमने लिया है भजन संहिता की पुस्तक उसका तेहतरवा अध्याय और उसका पहला वचन वचन कहता है निश्चय ही परमेश्वर इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए भला है धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरा पवित्र सामर्थ्य वचन अद्भुत है महान है सिद्ध है दोस्तों परमेश्वर की भलाई एक के लिए है जैसे कि योना तीन सोलह में परमेश्वर ने कहा है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया क्योंकि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया जो कोई विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा बल्कि अनंत काल का जीवन पाएगा इसका मतलब परमेश्वर की भलाई परमेश्वर की योजना सबके लिए है लेकिन जो अपने मन को शुद्ध रखेगा जो अपने मन को पवित्र रखेगा जो परमेश्वर के योग्य चाल चलेगा वो परमेश्वर की आशीषों को पाएगा हाँ देखिए चुंबक उसको ही चिपकता है जिसमें लोहे के गुण हैं अगर आप में लोहे के गुण नहीं है तो चुंबक आपको नहीं चिपकेगा चुंबक किसी लकड़ी को नहीं चिपकेगा चुंबक किसी रबड़ को नहीं चिपकेगा हाल लोहिया इसलिए वो गुण आप में होने चाहिए चुंबक तो है उसमें शक्ति है चिपकने की वो तो आपको आकर्षित करेगा वो तो आपको अपनी ओर खींचेगा लेकिन आप में कौन सा गुण है क्या आप में वो गुण है कि चुंबक आपके करीब आए कि आप में वो गुण है कि परमेश्वर की भलाई आप में आए उसकी भलाई सदा की है और उसकी भलाई आप ही के लिए है उसे संसार को रचा ही आपके लिए है उसने आपको अपनी समानता अपने स्वरूप में रचा है लेकिन हमारा भला मन हमारा शुद्ध मन अशुद्ध कैसे हो जाता है जब हम वचनों को नहीं समझते हैं जब उसके प्यार को नहीं समझते हैं जब हम अपने अंदर वो गुण डालने की कोशिश नहीं करते हैं लेकिन संसार को देखते हैं इसी का दूसरा और तीसरा वचन कहता है परंतु मेरे प्यार लड़खड़ाने पर थे मेरे कदम फिसलने पर थे क्योंकि जब मैंने दुष्टों को फूलते फूलते देखा तब अहंकारियों के प्रति ईर्षालू हो गया सुना दोस्तों आपने वचनकार कहता है कि मैंने दुष्टों को फूलते फलते देखा और मैं लड़खड़ाने लगा मैं वर्षालू हो गया अरे भाई क्या फल रहे थे वो वो जो दुष्ट थे जो प्रभु को नहीं जानते थे वो कैसे फल रहे थे उनके पास फलवंत फल क्या था वो फल था जो नाश होने वाला है वो रोटी थी जो नाश होने वाली है क्या उनके पास ऐसा फल है जो हमारे पास है क्या उनके पास अनंत काल का जीवन है क्या उनके पास वो सिंहासन है जो सर्वदा और हजारों साल तक राज्य करेगा हमेशा हाँ उनके पास कोई सिंहासन नहीं हमारे पास सिंहासन है हमारे पास परमेश्वर की आत्मा है उनके पास है हम धनी हैं हम आशीषित हैं इसलिए आपका मन अगर शुद्ध रहेगा तो परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में काम करेंगी ही स्पष्ट है ये आप ध्यान लीजिए देखिए उसके मुख से निकला हुआ हर वचन सिद्ध है जैसे आकाश और पृथ्वी टल सकती है लेकिन उसका वचन नहीं टलेगा मेरे दोस्तों ये बिल्कुल सत्य है यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं अब यह वचन आपको अपने जीवन में लागू करना है परमेश्वर ने आपको शुद्ध किया है परमेश्वर ने आपको आशीष दिया है भजन संहिता इक्यानवे का चौदह कहता है कि जो उससे प्यार करते हैं जो उस पर विश्वास करते हैं उसे वह ऊंचे स्थानों पर सुरक्षित रखता है ये सिद्ध है ये सच्ची बात है अगर आप उसे प्यार करते हैं अगर आप उस पर विश्वास करते हैं वो आपको ऊंचे स्थानों पर सुरक्षित रखेगा हाल लेकिन आप अपने आप को परखिए अपने आप को जांचिए कि आप क्या पूरी तरीके से विश्वास करते हैं क्या आपके मन में पूरी तरीके से परमेश्वर की उपस्थिति है देखिए मसीह के दोस्त जो चेहरे थे उनमें भी उनमें भी संदेह था अगर आप लुका की पुस्तक पढ़ेंगे तो उसका वचन क्या कहता है परंतु छब्बीसवां में ऐसा ना हो वो जो तुम में सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा बने और जो प्रमुख है वो सेवक बने रहे बड़ा कौन है वो है जो खाना खाता है या बड़ा वो है जो परिक, जो भोजन परोसता है यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं भोजन परोसने वाला हूँ लेकिन उसके अगला वाक्य अगला वचन मसीह ने क्या कहा कि तुम मेरे साथ थे इसलिए मैं धन्य कहता हूँ कि तुमने मेरी परीक्षाओं में मेरा साथ दिया हलिया परमेश्वर ने हमें ऊंचा उठाया परमेश्वर ने हमें मान और सम्मान दिया वचन कहता है भजन से नाइन्टी वन का पंद्रवा कि वो हमसे प्यार करता है हमें छुड़ाता है और हमें मान और सम्मान देता है परमेश्वर का सम्मान अगर हमें मिलता है परमेश्वर का नाम अगर हमें मिलता है परमेश्वर की संतान होने का अगर हम हम अपने जीवन में आशीष पाते हैं तो इससे बड़ा धन हमारे जीवन में और कोई नहीं हो सकता है हरे हम उस सर्वोत्र परमेश्वर की संतान है ये संसार किसका है हमारा है ये सृष्टि किसकी है हमारे पिता ने बनाई है तो दोस्तों जो कोई बड़ा बनने की कोशिश करेगा उसे छोटा बनना है इसलिए अपने सामने दुष्टों को फूलते फलते अगर आप देखते हैं तो आप उनके लिए प्रार्थना करिए क्योंकि वो जिस रोटी की तलाश में है वो जिस भूख की तलाश में है वो भूख पल भर की है सीमित है लेकिन मेरे पास जो आशीष है मेरे पास जो परमेश्वर का सामर्थ्य है वो असीमित है मेरे पास जो सामर्थ्य है वो मुर्दों को जिंदा करने वाला है मेरे पास जो सामर्थ है वो सृष्टि बनाने वाला है आपके मुंह में वो अधिकार परमेश्वर ने दिया है कि आप पर्वत से कहेंगे और पर्वत उठकर गिर जाएगा समुद्र में ये अधिकार के आपके दुष्टों के पास है जिनको आप जिनको देखकर आप जलते हैं नहीं वो अधिकार आपके पास है इसलिए आप धनी है इसलिए आप आशीषित है इसलिए आप परमेश्वर की संतान है इसलिए डरिए मत घबराइए मत और अपने मन को अशुद्ध मत होने दीजिए आपके आपके अंदर वो गुण हमेशा बने रहें कि परमेश्वर की चुंबकीय देवी शक्ति आप में सदा आपके साथ रहे आपके अंदर वो गुण होंगे तो चुंबकीय देवी शक्ति जो परमेश्वर की है जो चुंबकीय देवी सामर्थ है वो सामर्थ आपके अंदर आपके साथ रहेगा अगर आपके अंदर वो गुण होंगे अगर आपके अंदर वो गुण नहीं होंगे वो सामर्थ आपके साथ नहीं रहेगा इसलिए आइए हम सुबह के समय प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर तुम महिमा और आदर के योग्य है तूने जो हमें सामर्थ्य दिया तूने जो हमें गुण दिए हैं वो हमेशा हम में बने रहें ताकि हमारे अंदर ईर्ष्या ना आए दुख ना आए परमेश्वर तेरी भलाई हम हमेशा लेते रहें और तेरी भलाई के साथ ही अपने जीवन को निभाएं सुनने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष सुख और शंगाई मांगता हूँ प्रार्थना आपने सुनने को बोल की है मैंने मैंने मैं